नमस्कार दोस्तों, दौलत खान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में NRI और PIU पर एक क्लास लेने जा रहे हैं, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और स्पेशली ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है NRI एंड PIU, उस NRI और PIU में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं, व्हाट इज NRI, NRI कौन है, PIU, SPIO, एक शब्द आपके पास में आ सकता है ब्रेन ड्रेन, एक आ सकता है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं उल्टा प्रवास। एक शब्द आ सकता है ब्रेन गेन। एक आपका पूरा टॉपिक होगा NRI समिट, प्रवासी सम्मेलन। और एक जो है प्रवासियों के लिए और PIUs के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, उसमें NRI समिट, NRI वेलफेयर फंड, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दोहरी नागरिकता, PIU कार्ड और OCI कार्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो देश में रह रहे हैं, जैसे हम देश के नागरिक हैं, वे लोग जिन्हें उस देश के संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं, उन लोगों को उस देश के हम क्या कहेंगे, नागरिक। जो उस देश में है और उन्हें उस देश के मौलिक अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्राप्त है, मतलब फंडामेंटल राइट्स और प्लस सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो नागरिक है। उस नागरिक में जो देश के अंदर रह रहा है उसको हम कहेंगे वासी, और जो देश से बाहर चला गया है काम करने के लिए वो होगा प्रवासी। और प्रवासी भारतीयों के लिए यहां पे शब्द आएगा, यहां पर वासी रेजिडेंट, और जो भारत से बाहर चला गया है वो जाएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब इंडियन तो है लेकिन यहां पर रह नहीं रहा है। तो सबसे पहले जो शब्द आपके पास में आया, किसी भी देश के वे लोग जिन्हें उस देश के संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नागरिक। अब हमारे देश के नागरिक ही हैं, और वो नागरिक जो देश से बाहर काम करने के लिए गए हैं वो शब्द क्या आएगा, NRI। तो जो फर्स्ट टर्म आपके सामने आई वो आएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसकी सही परिभाषा क्या होगी, वे भारतीय नागरिक, इनकी शुरुआत ही भारतीय नागरिकों से होगी। और जब जैसे ही यहां पर भारतीय नागरिक शब्द आएगा, इसका मतलब इनको भारत की नागरिकता प्राप्त है। वे भारतीय नागरिक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वे भारतीय नागरिक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, एवं वे शिक्षा / रोजगार या किसी विशेष उद्देश्य के लिए देश से बाहर हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, NRI। और पूरे वर्ल्ड में हजारों की संख्या में हमारे NRI जो है, सऊदी अरब में, ओमान में, कतर में, अमेरिका में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ी संख्या में NRI रह रहे हैं। और इन NRIs ने भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ये प्रति माह यहाँ से लाखों रुपये NRIs भारत में भेजते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी को चमकाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हमने इन लोगों को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया है, हमारी अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमने इनको नज़रअंदाज किया। इसलिए 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सिंघवी समिति का गठन किया, और उस सिंघवी समिति के गठन पर यह आह्वान हुआ कि हम पर ईयर प्रतिवर्ष NRI समिट का आयोजन करेंगे और उन NRIs का मान सम्मान बढ़ाएंगे जिन्होंने देश के फ्लैग को ऊंचा किया है और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है, उसके लिए हम NRI समिट बनाते हैं। एक शब्द आपके पास में आएगा NRI के बाद में, एक शब्द आएगा PIO। ये PIO क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां पर जो शब्द होगा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उन्हीं को हिंदी में हम कहते हैं भारतीय मूल के लोग। इसी के लिए शब्द आएगा भारतीय मूल के लोग।
तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि भारतीय मूल के लोग कौन हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि वे लोग, परिभाषा दो तीन प्रकार से हो सकती है, वे लोग जिनके माता पिता, वे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी या परदादा दादी, फादर मदर, दोनों में से कोई एक, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या परदादा दादी या पर नाना नानी में से कोई एक, इनमें से कोई एक भारतीय रहा हो, इनमें से कोई एक भारतीय रहा हो एवं वह वर्तमान में किसी और देश का नागरिक है। वापस बोल रहा हूं, वे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी या पर दादा दादी में से कोई एक भारतीय रहा हो और वर्तमान में वह किसी और देश का निवासी है तो उसे हम क्या कहेंगे, पीआईओ। पीआईओ का एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे सुनीता विलियम्स जो है उनके फादर पांडे गुजरात के थे और सुनीता विलियम्स की मदर यूरोप की थी। वर्तमान में सुनीता विलियम्स जो है वो अमेरिकी नागरिक है तो उसके साथ में क्या आएगा, अमेरिकी नागरिक सुनीता, नागरिक सुनीता विलियम्स ब्रैकेट में पीआईओ, मतलब कि उनके फादर जो है भारत से रहे हैं इसलिए वो क्या हो जाएगी, पीआईओ। अब इन दोनों को आपको अगर 15 वर्ड्स में लिखना हो, किसको, एनआरआई और पीआईओ को, सबसे पहले एनआरआई में क्या लिखेंगे, वे भारतीय नागरिक जो शिक्षा रोजगार एवं विशेष उद्देश्य के साथ भारत से बाहर हो, या वे भारतीय नागरिक जो एक वर्ष में, सॉरी, जो एक वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहते हो, एक वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहते हो उन्हें एनआरआई कहा जाता है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। दूसरा पीआईओ, वे लोग जिनके माता पिता दादा दादी या पर दादा दादी में से कोई एक भारतीय रहा हो और वर्तमान में वो किसी और देश का नागरिक हो तो ऐसे लोगों को भारतीय मूल के लोग कहा जाता है। एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स, रामकेश्वर पुरियाग जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड रामोतार गुयाना के राष्ट्रपति हैं, बॉबी जिंदल अमेरिका के किसी प्रांत के गवर्नर हैं, ये सभी किस में आएंगे, पीआईओ में। एक शब्द आपके पास में आएगा और वो शब्द है एस पी आई ओ। एस पी आई ओ किसे कहते हैं, स्टेटलेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्टेटलेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के वे लोग, मतलब उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, भारतीय मूल के वे लोग जो वर्तमान में किसी भी देश के नागरिक नहीं है। और चूंकि हमने भारतीय मूल शब्द लगा दिया है इसका मतलब भारत का भी वो नहीं है। भारतीय मूल के वे लोग जो वर्तमान में किसी भी देश के नागरिक नहीं है उसको हम कहेंगे एस पी आई ओ। इनके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में यहां पर स्पेशली कौन सा शब्द यूज में आता है, मुहाजिर, क्या कहते हैं इसको, मुहाजिर, इनके लिए मुहाजिर शब्द प्रयोग में आता है। फिर उसके बाद में एक शब्द आपके पास में आएगा, एक वर्ड जो है वो आपके पास में होगा, ब्रेन ड्रेन। उस ब्रेन ड्रेन से पहले आपको मैं बताऊं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं एनआरआई समिट। 2002 में वाजपेयी सरकार के द्वारा सिंघवी समिति का गठन किया गया और उस सिंघवी समिति के माध्यम से यह तय हुआ कि प्रतिवर्ष एनआरआई समिट का आयोजन किया जाएगा और पर ईयर एनआरआई समिट का आयोजन 7 से 9 जनवरी को हर साल होता है। 7 से 9 जनवरी, इसमें 7 तारीख को इंट्रोडक्शन, 8 तारीख को उद्घाटन और 9 तारीख को समापन होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे इसलिए यहां पर 9 जनवरी की दिनांक का चयन किया गया, इसलिए 9 जनवरी को हम एनआरआई डे भी मनाते हैं। 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं। तो ध्यान रखना दो पॉइंट यहां पर, प्रवासी सम्मेलन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, सिंघवी समिति, नंबर वन। नंबर टू, पहली बार प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब से किया गया, तो उत्तर होगा 2003 से।
2003 से, ध्यान रखना, अब वर्तमान में पिछले 2-3 सालों से एनआरआई समिट का आयोजन प्रति वर्ष न करके अब प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जा रहा है। शुरुआत में पर ईयर था, बाद में अब प्रति 2 वर्ष पे कर दिया गया है। एक चीज और, एक आपके मेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्या है कि एनआरआई समिट का ऑब्जेक्ट क्या है, एनआरआई समिट का उद्देश्य क्या है, हम एनआरआई समिट क्यों मनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनआरआई समिट आयोजित करने के मुख्यतः 5 ऑब्जेक्ट हैं। वो 5 ऑब्जेक्ट क्या है? 1, प्रवासी भारतीयों ने, ध्यान रखना मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, नोटिफिकेशन क्या है कि हमने यहां पर नाम जरूर एनआरआई समिट लिया है, लेकिन इस एनआरआई समिट में एनआरआई और पीआईओ दोनों को ही इन्वाइट किया जाता है। एनआरआई समिट में एनआरआई और पीआईओ दोनों को ही इन्वाइट किया जाता है, और इनको इन्वाइट करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो मैंने आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। 5 पॉइंट क्या है? 1, एनआरआई और पीआईओ ने वैश्विक स्तर पे जो उपलब्धियां हासिल की है, जो अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों को भारतीयों से परिचय कराना, ताकि अन्य भारतीय भी उससे एप्रिशिएट हो सके। जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बॉबी जिंदल, ये सभी लोग वो है जिन्होंने भारत से बाहर जाके एक बड़ी भूमिका अदा की है। तो पहला होगा, उन्होंने ग्लोबल स्तर पर जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उसका भारतीयों को बताना, ताकि उनका मान सम्मान बढ़ सके और यहां पे भी भारतीय प्रेरित हो सके। 1। 2, उन्होंने भारत से बाहर भारतीय संस्कृति को फैलाया है, इंडियन कल्चर को फैलाया है, इसलिए भारतीय संस्कृति को फैलाने के रूप में उन्होंने जो भूमिका अदा की है उसके लिए हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, इसलिए हर साल उनको ऑनर दिया जाता है। 2। 3, वे विश्व के ज्ञान भंडार को भारत में लेके आए, वर्ल्ड नॉलेज जो है उसको इंडिया में लेके आए। 4th पॉइंट, उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि एनआरआई और पीआईओ बहुत बड़े स्तर पर भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सके। 4th पॉइंट ये होगा। एक आप लोग ध्यान रखना, 4 के बाद 5वां इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने हर देश में अपनी एम्बेसी खोल रखी है, और हम हर देश में अपना एम्बेसडर भेजते हैं जिसको हम राजदूत कहते हैं, लेकिन हमारा राजदूत वो काम नहीं कर पाता है जो बाहर एनआरआई और पीआईओ करते हैं। जैसे भारत अमेरिका संबंधों को बनाने में एनआरआई और पीआईओ ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो 5वां पॉइंट क्या होगा? उन्होंने भारत से बाहर जो गैर आधिकारिक राजदूत की भूमिका अदा की है उससे भारत सरकार सम्मानित करे। मतलब जो काम हमारे राजदूत नहीं कर पाए वो किसने कर दिया? एनआरआई और पीआईओ ने, इसलिए हम उन्हें सम्मानित करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर एनआरआई और पीआईओ को हम भारत में बुलाकर उनके मान सम्मान को बढ़ाते हैं तो उनके आर्थिक निवेश को भारत में अट्रैक्ट आकर्षित किया जा सकता है, ये भी समझे। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स आप एनआरआई समिट्स में ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट जो है भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआरआई और पीआईओ को आकर्षित करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए हैं? उन स्टेप्स में सबसे पहले होगा 2003 से लगातार एनआरआई समिट का आयोजन, और वर्तमान में अब यह सम्मेलन प्रति 2 वर्ष पे हो रहा है। पहला पॉइंट। 2, एनआरआई वेलफेयर फंड की स्थापना करना। यह क्या है? एनआरआई कल्याण कोष की स्थापना करना। अगर भारत से बाहर किसी एनआरआई के साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो इस वेलफेयर फंड से पैसा दिया जा सकता है। 3rd जो है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सामाजिक सुरक्षा समझौता। यह समझौता 2 देशों के बीच में होता है, जैसे भारत ने नॉर्वे के साथ में किया है। अगर कोई भारतीय नागरिक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जाता है और उसके साथ वहां पर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो भारत में नॉर्वे जाने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वे पहुंचने के बाद नॉर्वेन गवर्नमेंट उसका इंश्योरेंस करती है और दुर्घटना या मौत की स्थिति में उसे फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसको हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा समझौता। उसकी बॉडी को भारत तक भी पहुंचाया जाता है। 1 शब्द आएगा दोहरी नागरिकता। ये आप सुनो, ये क्या है
कि जो हमारा मूल संविधान है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह उल्लेख था कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब अगर कोई एनआरआई भारत से बाहर गया तो लगातार प्रयास करता है कि उस देश की नागरिकता उसको मिल जाए। जैसे उसको उस देश की नागरिकता मिलती है तो उसका भारत के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कट जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास किया कि भले ही वो उस देश की नागरिकता रख ले लेकिन भारत की नागरिकता को भी रखे। अगर कोई व्यक्ति एक देश की नागरिकता के साथ दूसरे देश की नागरिकता को भी रख सकता हो तो ऐसी नागरिकता को हम क्या कहेंगे, दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। इसके लिए भारतीय संविधान में 2003 में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके और यह संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया कि अब वर्तमान में भारत में दोहरी नागरिकता रखी जा सकती है। जैसे कोई भारतीय नागरिक अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता रख सकता है, बशर्ते अमेरिका भी उसे यह अधिकार दे। तो यह हो जाएगा दोहरी नागरिकता। एक शब्द आएगा पीआईओ कार्ड। जो भारतीय मूल के लोग हैं, जैसे मान लो कोई फिजी का व्यक्ति है और उसके दादा दादी भारतीय रहे हैं लेकिन वो वर्तमान में फिजी का नागरिक है, अगर वो भारत आना चाहेगा तो उससे वीजा की आवश्यकता पड़ेगी और भारत में वीजा संबंधी प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अतः इस स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे पीआईओ कार्ड देती है। यह कार्ड मिलने पर वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पीआईओ कार्ड है, पीआईओ कार्ड क्या है, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यह एक प्रकार का वीजा कार्ड है जिसमें भारतीय मूल का व्यक्ति अगर किसी अन्य देश से भारत में आता है तो उसे वीजा संबंधी जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है और उसे कई सुविधाएं भी भारतीय नागरिकों के समान प्रदान की जाती है। एक शब्द आया है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड क्या है, यह दोहरी नागरिकता वाला कार्ड है, डबल सिटीजनशिप कार्ड है। मतलब वे लोग जिन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता पुनः वो प्राप्त कर ले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे ओसीआई कार्ड देती है। इस ओसीआई कार्ड के मिलने पर उसे नागरिक संबंधी सभी अधिकार मिल जाते हैं, शैक्षणिक सुविधाएं मिल जाती है, आर्थिक निवेश की सुविधाएं मिल जाती है, बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, वीजा फैसिलिटी मिल जाती है, केवल दो अधिकार को छोड़कर। ओसीआई दोहरी नागरिकता वाला कार्ड है, नागरिकों के समान अधिकार मिलते हैं लेकिन दो अधिकार को छोड़कर, उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है और नंबर टू वो किसी चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन ये दोहरी नागरिकता वाला कार्ड है। तो ये आपको 15 और 50 वर्ड्स में आ सकता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक शब्द आपके पास में आएगा ब्रेन ड्रेन। आपसे पूछे कि ब्रेन ड्रेन क्या है, जब किसी देश के प्रतिभाशाली नागरिक, इंजीनियर, डॉक्टर अपने देश से बाहर चले जाते हैं तो उस मूल देश को उनकी सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ नहीं मिलते हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन। जब किसी देश के प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर आदि अपने मूल देश से बाहर चले जाते हैं तो ये उस देश के लिए एक प्रकार का मानवीय संसाधन का लॉस होता है, इस प्रक्रिया को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। एक शब्द आपके पास में आएगा रिवर्स माइग्रेशन। उल्टा प्रवास क्या होता है, उल्टा प्रवास किसी विदेशी धरती पर, फॉरेन लैंड पर, किसी विदेशी धरती पर सिविल वार, गृह युद्ध, युद्ध या आक्रमण या आतंकवादी हमले आदि के कारण वहां पर रह रहे प्रवासी जब पुनः अपने देश में लौटने लगते हैं तो यह रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है, उल्टा प्रवास। यह अर्थव्यवस्था के लिए लॉस है क्योंकि जो प्रवासी बाहर गए हुए हैं वो रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में वापस अपने देश में आने लगते हैं। और एक शब्द आपके पास में आएगा ब्रेन गेन। अभी तक ब्रेन ड्रेन चल रहा था, मोदी सरकार ने यह नया शब्द दिया है ब्रेन गेन। जैसे हम इस बात का रोना रो रहे हैं कि यार सत्य नडेला भारत से बाहर चला गया, सुनीता विलियम्स भारत से बाहर चली गई, मोदी गवर्नमेंट ने यह कहा कि यदि किसी देश के प्रतिभाशाली नागरिक किसी देश से बाहर चले जाते हैं तो यह ब्रेन ड्रेन जरूर है, परंतु हमें उन देशों में बैठे उन
भारतीय मूल के लोगों से पुनः संपर्क करके उनका लाभ लेना चाहिए। जैसे सत्य नडेला, ये जो लोग हैं जो भारत से बाहर हैं फिर भी भारत को सेवाएं दे रहे हैं, अगर हम उनकी सेवाओं को प्राप्त करते हैं तो ये कहलाएगा ब्रेन ड्रेन। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था NRI और PIO के ऊपर, ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर थर्ड वीडियो था, और जल्दी आपके सामने चौथा वीडियो आएगा।